हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज हमने जबरदस्त सेल ऑफ देखा, ऑलमोस्ट 8% स्टॉक नीचे बंद हुआ है एंड जो क्लोजिंग है वह 4786। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने 5000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। 52x लो से स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था, ऑलमोस्ट 3 गुना यह स्टॉक हो गया था। बट फ्रॉम द 52 वीक्स हाई ये स्टॉक अभी बहुत करेक्ट हो चुका है एंड एट दैट मोमेंट 5000 के नीचे मुझे स्टॉक वीक लग रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 66.47 है, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं कहेंगे। सेक्टर भी 127, मार्केट कैप 68,825 करोड़। टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हमारे साथ एमएफआई कहते हैं। यहाँ पे 70 के ऊपर स्टॉक ओवर बोर्ड होता है, 30 नीचे ओवर सोल्ड। ये स्टॉक बहुत टाइम से 5000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, बट इस गिरावट के बाद जो आरएसआई एमएफआई है वो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो पहले इसका जो रेंज था वो 35 था एंड 30 था, यानी आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का स्कोर 35 एंड मनी फ्लो इंडेक्स 30, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ओवरबॉट जोन के करीब है एंड एमएफआई में तो ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन के नीचे भी चला जाएगा। सो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हम देख सकते हैं, बट आपको थोड़ा कॉशियस भी रखना पड़ेगा। 1 वीक का जो रिटर्न है वो नेगेटिव 8.74% है, जिसमें आज ही स्टॉक 8% गिरा है, हाई 5329। 1 मंथ का लो भी आज ही स्टॉक ने टच किया है 4730 एंड 1 मंथ का हाई है 5935, यानी लास्ट मंथ यानी इन द होल मंथ ये स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई को भी टच किया है एंड वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ है। सो डेफिनेटली 4500 इज अ रेंज जहां पे आपको नजर रखना है। नीचे की तरफ सबसे बड़ा सपोर्ट है 4000, बट वहां से स्टॉक अभी बहुत ऊपर है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि 4000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हम स्टॉक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का रेंज है 4000 एंड 100 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 4650 से 4700। सो दैट इज द रेंज जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। वाई 4500 इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4650 100 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, अगर इसको भी स्टॉक हिट करता है तो सीधा सीधा 4500 4400 तक जा सकता है। सो सपोर्ट कहाँ पे 4650, जो कि आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे 4500 4400 4200 एंड 4000। आई एम नॉट श्योर कि 4000 के नीचे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जाएगा, बट अगर ये स्टॉक उसके करीब आता है सो आपको बाय करना है। डू नॉट सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर रेंज, क्योंकि अगर 6 मंथ का भी हम इस स्टॉक का रेंज देखे सो 3141 इज द लो एंड 6000 इज द हाई, यानी 6 मंथ में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो वहां से अगर स्टॉक गिरता है, यानी 6000 से अगर 2000 रुपीज करेक्ट होता है, सो डेफिनेटली आपको 4000 करीब स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि देर इज नथिंग नेगेटिव इन द मार्केट। सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो गिरावट है उसके पीछे मार्केट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मार्केट जिस तरह से गिरा उसी के साथ सारे स्टॉक में हमने करेक्शन देखा है। अगर हम इसका टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें, सो इन दैट केस एज यू कैन सी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो 5000 है, 5000 के नीचे आना वेरी वेरी नेगेटिव एंड नाउ 4650 इज द लास्ट सपोर्ट। अगर 4650 ये तोड़ता है सो सीधे सीधे 4000 की तरफ ये जा सकता है, क्योंकि उससे पहले साइकोलॉजिकली सपोर्ट तो 4500 4400 4200 पर टेक्निकली कोई सपोर्ट नहीं बनता। सो 4650 आपका एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपको इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, या फिर आप ऑलरेडी इसको बाय किया 5000 के ऊपर। इन दैट पर्टिकुलर केस नीचे 4000 के करीब फिर से आपको एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेगा। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल चीज को देखें, यानी फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सेक्टर में जितने भी कंपनी है उसमें अपोलो हॉस्पिटल नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप। उसके बाद आता है मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ्रा, बट डॉक्टर लाल पैथ्रा इज डायग्नोस्टिक सेंटर। अपोलो हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल्स में उनका भी अच्छा खासा जाना माना नाम है, यानी उनके फार्मेसीज है एंड उसी के साथ साथ उनका जो है डायग्नोसिस सेंटर्स भी है, यानी ऑल इन वन बिजनेस जिसमें इनको महारत हासिल है एंड मार्केट कैप वाइज भी नंबर 1 है। मैक्स हेल्थ केयर इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, सो आपको अगर हेल्थ केयर सेक्टर में ही जाना है सो अपोलो हॉस्पिटल इज द बेस्ट चॉइस फॉर जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। उसी के साथ नारायण हुद्दाना इज अनदर कंपनी इज देयर जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वेरी अट्रैक्टिव, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि अपोलो हॉस्पिटल के साथ ही आपको रहना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है। स्टॉक ने अच्छा रिटर्न भी दिया टू दर इन्वेस्टर, ऊपर से करेक्ट हुआ यानी नीचे थोड़ा बाउंस बैक भी हम देखेंगे। अगर हम स्टॉक के रिजल्ट को देखें, क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही खराब तो नहीं रहे, बट
कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा 150 करोड़ से स्टैंडर्ड लोन एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लोन प्रॉफिट देखें। सो यहाँ पे हम देखेंगे 186 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस 150 करोड़, ईच एंड एवरी क्वार्टर हमने कंसिस्टेंट ग्रोथ देखा 106 116 150 एंड 186। इस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हालांकि सेल्स थोड़ा गिरा है बट एक्सपेंसेस भी गिरावट आया है जिस कारण प्रॉफिटेबिलिटी है जो बड़ा है। बट अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें जहां पे इनके और भी बिजनेसेस है, इन दैट केस एज यू कैन सी 489 करोड़ से जो प्रॉफिट है 248 करोड़ गिरा, बट इसमें बहुत बड़ा गिरावट नहीं गई, जिसमें 319 करोड़ का अदर इनकम भी शामिल है, अगर उसको हम निकाल दें सो इन दैट केस परफॉर्मेंस अच्छा है 190 करोड़ से 248 करोड़ का प्रॉफिट, यानी परफॉर्मेंस वाइज स्टॉक इज वेरी गुड एंड सेप्टेम्बर का रिजल्ट इतना अच्छा है, नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हम खराब नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, इसी के आसपास होगा। सो डेफिनेटली गिरावट में आपको बाई करना है। सो एज आई सेड 4650 से स्टॉक शायद घूम जाएगा एंड फिर से 5000 ऊपर जाएगा, 5000 ऊपर जाता है वहाँ पे क्लोजिंग देता है, आई डोंट थिंक द शॉर्ट टर्म यह बहुत गिरेगा, इसीलिए मैं कॉन्सेंट्रेट करेगा देन ये 6000 के बाद फिर से जाएगा, बट 4650 अगर ब्रेक करता है सो डेफिनेटली नेक्स्ट सपोर्ट है 4000, अगर किसी कारण मार्केट गिरता नहीं है स्टॉक 4000 के करीब आता है उसी टाइम आपको बाई करना है, एट दैट मोमेंट डू नॉट बाई डू नॉट एंटर, मार्केट कहाँ तक गिरेगा क्या पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। मार्केट गिरने के पीछे तीन मेन रीजन है कि एफआई का सेल ऑफ, क्योंकि एफआई रिबैलेंसिंग करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, सो बहुत सारे स्टॉक में सेल करेंगे फिर से बाई करने का, अगर बाइंग होता है तो निफ्टी भी यहाँ से 70,500-600 जाएगा, फिर सारे स्टॉक में हम बाइंग देखेंगे, अगर ये सेल ऑफ सिर्फ किसी और वजह से यानी रेट कट रेट इम्प्रूव होना यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना या फिर कोविड का थ्रेट के बारे में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि केसेस आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे हैं, अगर इन फ्यूचर कोई और इम्प्रूवमेंट आता है तो डेफिनेटली सारे सेक्टर के लिए खराब है, बट फॉर्चुनेटली हॉस्पिटल सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ता है, इसीलिए अपोलो हॉस्पिटल को दोनों तरह का फायदा है, अगर एफआई का बाइंग आता है देन स्टॉक ऊपर उड़ेगा, अगर मार्केट गिरता है तो अपोलो हॉस्पिटल एज अ डिफेंसिव बेट लोग इसमें हेजिंग करेंगे, सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आप 4650 के लेवल को ध्यान पे रखिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, अगर आपको बाय करना है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट कर लो, देन टुवर्ड्स 4200-4000 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके करीब आपको बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, पोमोरस के पास जो स्टेक है उसमें 30% स्टेक है, एफआई इज वेरी बुलिश, उनके पास 51.5% स्टेक है, डीफाई डीआई के पास 12% और पब्लिक होली 6%, रिटेल इन्वेस्टर इज नॉट डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, सो 6% उनका स्टेक है, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बट डू करता एफआई होल्डिंग 51% यानी प्रोमोटर से भी ज्यादा एफआई का होल्डिंग है, इसलिए एफआई होल्डिंग वाले स्टॉक बहुत जल्दी गिरते हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं, 3000 तक ये स्टॉक में सब कुछ ठीक था और सडनली स्टॉक में ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया फ्रॉम 3000-6000, ये स्टॉक जो है विद इन 6 मंथ चला गया, देन वहाँ से थोड़ा करेक्शन आया एंड एट दैट मोमेंट 4500 के करीब ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है एंड 4000 के करीब तो मुझे इसको बाइंग करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर किसी स्टॉक का अच्छा है यानी क्वालिटी किसी स्टॉक का अच्छा है उस स्टॉक को मैं हमेशा गिरावट में बाइंग जरूर करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।